नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। और आप देख रहे हैं आर्ट वाला घाट। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप सभी लोग बढ़िया हो। आज मैं बात करने वाला हूँ फोटोशॉप 7.0 में फोटो फिनिशिंग के ऊपर पे। जैसे कि मैंने बहुत सारा वीडियो बनाया हुआ है और आगे भी बनाएंगे और बेहतर से बेहतर चीज़ों को आप तक पहुँचाएंगे। फोटोशॉप 7.0 में मैंने फोटो ले लिया है, यहाँ से देखेंगे आप। इसको बड़ा कर लेता हूँ। बहुत सारे लोगों को शिकायत होती है कि मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आई, ये नहीं समझ में आया, ये सब। कोशिश करूंगा कि मैं इस चीज़ को बहुत आसानी से समझा सकूं, आप लोगों तक इस चीज़ों को बेस्ट तरीके से पहुंचा सकूं। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि इस फोटो में क्या खराबी है और क्या नहीं है। खराबी कुछ भी नहीं है, लेकिन हम इस फोटो को अपने तरीके से बनाएंगे। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये जो फेस पे लाइट नजर आ रही है, ये थोड़ा मुझे चुभ रही है। ठीक है, खराब नहीं है, लेकिन इसमें क्या चेंजेस किए जा सकते हैं उस बारे में बात करूंगा। और उसको चेंजेस करने के बाद, इम्प्रूवमेंट करने के बाद कैसी चीजें लगेगी, उस चीज को हम समझेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ और इस वीडियो को शेयर जरूर करना आप लोगों को, ताकि आपको सारी चीजें समझ में आ जाए। मैं बहुत ही बेसिक तरीके से समझाऊंगा, यहाँ पर किसी भी चीज़ों को छोड़ूंगा नहीं कि मैंने ये नहीं बताया या वो नहीं चीज किया। सब चीज, जो भी चीज होगा, जेन्युइनली आपके सामने होगा, हर चीज आपको नजर आएगी, क्लियर कट टू कट नजर आएगी। लाइव जो चीज कर रहा हूँ वो नजर आएगी, और बहुत जल्दी मैं लाइव करने वाला हूँ यूट्यूब चैनल पर, तो आप लोग आ सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लाइव करने वाला भाई तुम्हारा बहुत ही जल्दी। तो देखते हैं यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ। सबसे पहली चीज, इस फोटो का एक कॉपी बना लेता हूँ। कॉपी बनाने की जरूरत नहीं है, इस पे भी काम किया जा सकता है, लेकिन कॉपी इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को बाद में दिखाया जा सके कि कितने चेंजेस इसमें हुए हैं। यहाँ से इसका कॉपी बना लेंगे, डुप्लीकेट कर लेंगे। डुप्लीकेट कर लिया है मैंने। अब इस पे थोड़ा सा कुछ काम करना है। काम क्या करना है वो मैं बता देता हूँ। याद रखेंगे, इसमें मैं कुछ पेड फिल्टर्स का यूज करूंगा, तो वो चीज़ अगर आपके पास नहीं होगी तो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। थोड़ा इसको जूम कर लेता हूँ और यहाँ से टूल्स लूंगा मैं, ये वाला टूल्स लूंगा, क्लोन स्टैम्प टूल। और यहाँ पर अल्ट्रा का बटन दबाऊंगा, कीबोर्ड से अल्ट्रा का बटन, और यहाँ से इसको क्लिक करके इसको एक्टिवेट करूंगा। ठीक है, ध्यान से देखेंगे तो आपको चीजें समझ में आएगी। 21% रखा हूँ ओपेसिटी, फ्लो को रखा हूँ 100%। ठीक है, ये हो गया। और उसके बाद इधर पे भी आना और सेम सेम काम करना है। मैं अल्टर का बटन जिस जगह पे, जैसे मान लो ये वाले बिंदी पे रखूंगा और यहाँ क्लिक करूंगा, देखो बिंदी बनने लगी। तो मतलब इसका, इस टूल का काम ये होता है कि जिस जगह पे, जो जगह आपको साफ नजर आ रही, वहां पर क्लिक करेंगे तो ये काम करेगा। आपको नजर भी आ रहा होगा कि कैसे इसका मैकेनिज्म काम करता है। इसको समझाया भी मैंने और वीडियोस में भी, तो वहां पर भी जाके अगर चाहें तो आप देख सकते हैं, अगर आपको चीजें समझ में नहीं आती। तो यहाँ तक कर लिया हमने क्लियर। अभी हमारा काम हो चुका है, लगभग समाप्ति की ओर है। यहाँ तक फिनिशिंग कर लिया, बस काम खत्म। ये फिनिश कर लिया, लाइट तो हट गई और ठीक है। पहले कैसा था, ऐसा था, और अब ऐसा है। मतलब जो लाइट हमको चुभ रही थी या जो गड़बड़ लग रही थी, उसको मैंने कम कर दिया। देखेंगे, ये पहले ऐसा था, अब ऐसा है, कम कर दिया। लेकिन इसमें कम करने के बाद में सब कुछ तो ठीक है, लेकिन एक गड़बड़ी है इसमें। थोड़ा सा और क्लैरिटी चाहिए, और प्रीमियम तरीके से चीज़ों को देखना चाहता हूँ मैं तो। और इसमें क्या किया जा सकता है, तो क्या किया जा सकता है, इमेज में आइए, यहाँ से लेवल में आइए और लेवल को बढ़ाइए। ये इतना बढ़ा दिए, ओके कर दिए। वापस आएंगे इधर पे, करो में आएंगे और एक करो में क्लिक करेंगे, देख लेंगे ध्यान से, और यहाँ से इसको थोड़ा सा इधर से बढ़ाएंगे। बस इतना काफी, ओके। और वापस आना है फिर से लेवल पे, और यहाँ से इस वाले पॉइंटर क्लिक करके इधर ले जाना है। ठीक है, और वापस इसमें आना है, और ये काफी सफिशिएंट है। और इस वाले पॉइंटर पे भी थोड़ा सा काम किया जा सकता है। बस अब ये हो चुका है कंप्लीट। वापस आना है इधर पे, ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट में, और यहाँ से ब्राइटनेस को बढ़ा देना है 3% के आसपास, और कंट्रास्ट को 2%। बस अब काम खत्म हो चुका है। अब इस पे छोटा सा काम करना है, क्या करना है वो बता देता हूँ। फिल्टर में आना है, ये पेड फिल्टर्स है सारे, तो ये पेड फिल्टर्स अगर बाय करना है आपको, तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे आके बात करो, मैं बता दूंगा कैसे प्राप्त हो सकेगा आप लोगों को। ये क्लिक किया और इंटर कर दिया। एक्टिवेट करने के बाद इस पे काम करेगा फिल्टर बहुत अच्छे से। ये काम कर चुका है, इसको थोड़ा इधर पे आना है, कम कर सकते हैं फिल्टर को, थोड़ा कम करना है। तो यहाँ से पेड, मतलब जो चीज आपने चलाया है वो थोड़ा कम हो जाएगा। ठीक है, वापस आना है नेट इमेज में, ये भी फिल्टर है, इसको भी यूज करेंगे आप। इधर ऑटो प्रोफाइल में क्लिक कर देता हूँ मैं, थोड़ा सा समय लगेगा और उसके बाद में ये काम कर जाएगा, मतलब ठीक तरीके से इस पर वर्क करेगा। कितना बेहतरीन हो सकता है या क्या क्या इसमें इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है, तो देखेंगे यहाँ पर इम्प्रूवमेंट आपको नजर आ जाएगा। ठीक है,
ये इम्प्रूवमेंट हो रहा है, चल रहा है फिल्टर, तो जैसे ये होता है कंप्लीट वैसे ही आप देख पाएंगे कि क्या क्या काम करने वाला है। थोड़ा सा समय लग सकता है, ये सारे सॉफ्टवेयर लेकिन पेड हैं, दो तीन सॉफ्टवेयर, तो उसके लिए आपको पेमेंट करना होता है कुछ ऑफिशियल वेबसाइट से, या फिर मुझसे बोलेंगे मैं भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ये हो गया, अब यहाँ से थोड़ा समय इधर आना है, इधर पे शार्पनेस, और इसको थोड़ा चला देता हूँ, ठीक है, ये थोड़ा बेहतर से बेहतर क्वालिटी आ जाएगी। और अब आप देखेंगे इसको थोड़ा मैं 66% कर दिया हूँ, बस। अब आप देखेंगे, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बहुत ही प्रीमियम तरीके से क्वालिटी नजर आ रही होगी आप लोगों को। थोड़ा 19-20 चीजें जरूर हो जाती, लेकिन मैं सिर्फ ट्यूटोरियल में हूँ इसलिए हाई फिनिशिंग नहीं कर रहा हूँ, मैं ट्यूटोरियल कंटिन्यू लाइव कर रहा हूँ, उस टाइप से मैं चीजों को बताता हूँ, तो वहां पर आप समझ लेंगे। और अब अगर आप देखेंगे तो ये फोटो ऐसी थी और अब ऐसी है, देख सकते हैं आप अंतर कहाँ है। देखो यहाँ पर बाल बाल जो नजर आ रहे थे वो भी सब इरेस हो गए हैं बिना मेहनत किए। और पेड फिल्टर्स का काम यही है कि बहुत ही अच्छे से आप चीजों को कर सकते हैं। तो देखा आपने, लिप्स के कलर को देखेंगे, दांत को देखेंगे, सब कुछ सिमिलर है, बस सिर्फ इसने जो एक्स्ट्रा चीज थी, जो गड़बड़ चीज थी, उसी चीज को इसने थोड़ा सा गड़बड़ थी उसको ठीक कर दिया है। बाकी बहुत सी चीजों को इसमें एडजस्ट किया जा सकता है। बाकी और भी डिटेलिंग चीजों को जानना है तो आप आर्ट बालाघाट को सब्सक्राइब कर लो, और अगर आपने ये फिल्टर्स बाय नहीं किया तो फिल्टर बाय कर सकते हो इंस्टाग्राम पे आके, मैं आपको कम प्राइस में चीजें दिलाने की कोशिश करूंगा। बाकी बस आज के लिए सिर्फ यही वीडियो थी, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आप चाहते हैं तो इन चीजों को डिजाइन करो, सीखो, बनाओ, बहुत अच्छे से यूज करो और अपना बिजनेस आगे बढ़ाओ। बाकी बस आज के लिए इतना ही था, कल मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, जय भीम।